संगारेड्डी में मंगलवार को पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस वाले मुसलमानों को रातों रात ओबीसी बना देते हैं। हमारे तेलंगाना में जो लिंगायत मराठा समाज के लोग हैं, उसमें 26 जातियां ऐसी हैं जो ओबीसी में जाने की मांग कर रही है। लंबे समय से इस पर चर्चा चल रही है। कांग्रेस वालों को मराठा लिंगायत इन 26 जातियों को ओबीसी बनाना मंजूर नहीं है। जब तक मैं जिंदा हूँ, एससी एसटी और ओबीसी की कीमत पर धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण नहीं देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को महाराष्ट्र और तेलंगाना के दौरे पर है। संगारेड्डी से पहले वे महाराष्ट्र के धाराशिव, माड़ा और लातूर में सभाएं कर चुके हैं। धाराशिव में पीएम मोदी ने कहा, जो विरोधी भाजपा सरकार का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, वे सोशल मीडिया पर फर्जी वीडियो चलाकर तकनीक का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। अब उनकी हालत ऐसी है कि जब उनका झूठ काम नहीं कर रहा है तो वो मेरे चेहरे का इस्तेमाल कर रहे हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से अपनी मोहब्बत की दुकान में फेक वीडियो बेच रहे हैं। झूठ की यह दुकान बंद होनी चाहिए। मोदी ने कहा, हमारी सरकार दुनिया भर में बाजरा को लोकप्रिय बनाने पर जोर दे रही है। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि बाजरा दुनिया भर में खाने की मेज तक पहुंचे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मेरे लिए राजकीय रात्रि भोज दिया था, उसके मेन्यू में बाजरा था। इसी के साथ बने रहिए एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ।